सोलन की सेब और सब्जी मंडी जहां अरबों रुपयों का व्यापार होता है, प्रदेश को करोड़ों रुपए की आय इसी मंडी से होती है। लेकिन कुछ समय से यहां आने वाले किसान और बागवान बेहद परेशान थे। उनके द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के महाप्रबंधक को शिकायत की गई कि कुछ आढ़ती उनकी मेहनत की कमाई पर कुंडली मारकर बैठे हैं और उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया और अब आढ़तियों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सोलन APMC को ये निर्देश भी दिए कि जो भी व्यक्ति डिफॉल्टर है, उन्हें तब तक व्यवसाय न करने दिया जाए और न ही उनका लाइसेंस रिन्यू किया जाए, जब तक कि वे किसानों का पूरा भुगतान नहीं कर देते। सोलन APMC के सचिव ने निर्देशों का सख्ती से पालन किया, जिसके चलते कुछ आढ़तियों में खलबली मची हुई है। किसान और बागवान इस कदम के लिए प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध निदेशक नरेश ठाकुर का धन्यवाद कर रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए सोलन APMC के सचिव डॉक्टर RK शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो आढ़ती डिफॉल्टर हैं, उन्हें आढ़त नहीं लगाने दी जाएगी, तो उन निर्देशों का अनुसरण करते हुए APMC का प्रयास है कि जो भी आढ़ती डिफॉल्टर है, उसे किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं करने दिया जाए। उन्होंने बताया कि जब से उनके द्वारा सख्ती की गई है, कुछ व्यवसायियों ने किसानों और बागवानों का भुगतान भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ आढ़ती ऐसे हैं जिनके पास किसानों का पैसा फंसा हुआ है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक तो जो डिफॉल्टर आढ़ती हैं, उनको हमने यहाँ कारोबार करने से ना आने के लिए लेटर भी दिए हैं और बार बार मीडिया के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जब तक किसानों की पेमेंट नहीं देते हैं, तब तक आप मंडी में कारोबार नहीं कर सकते हैं और ना ही आपका लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। लेकिन इसलिए आपसे सभी से प्रार्थना है, जिन आढ़तियों ने किसानों के कुछ धनराशि देनी है, उनको धनराशि समय पे दें, ताकि आपका समय पे लाइसेंस रिन्यू किया जा सके और आपको सेट भी अलॉट किए जा सकें।